नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक है रेलवे टीटी की पत्नी का दर्द। जी हाँ मित्रों, उसके हस्बैंड रेलवे में टीटी थे और अब वह रिटायरमेंट हो गए थे, तो काफ़ी सालों के बाद वह घर पर आए तो उनके दिमाग में वही रेलवे का माहौल बना हुआ था। तो मित्रों, यही एक हास्य व्यंग हम आपके सामने चित्रों के सहायता प्रस्तुत करेंगे। हमें आशा होगी कि आपको हमारा यह वीडियो बेहद पसंद आएगा। जी हाँ मित्रों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये रेलवे है और यहाँ पर एक टीटी अपने किस प्रकार से उसकी पत्नी अपना दर्द बताएगी। तो मित्रों, यहाँ से है, 35 साल रेलवे में टीटी की नौकरी करने के बाद एक व्यक्ति रिटायर हुए, घर पर रहने लगे। एक महीने बाद ही पत्नी ने पति से कहा, डॉक्टर के पास जाना है, मुझे थोड़ा सा चेकअप कराना है। शाम पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाकर पति ने कहा, जाइए दिखाइए। उसने रोनी सी सूरत बनाकर कहा, आप आगे आइए, मेरा तो बहाना था, दरअसल आपको दिखाना था। जी हाँ मित्रों, ये पत्नी अपने पति को लेकर डॉक्टर के पास जाती है और यह है अपने पति को दिखाना चाहती है। डॉक्टर साहब, ये पिछले 35 साल रेलवे में टीटी रहे, सप्ताह में केवल 2 दिनों के लिए घर आते थे, बाकी दिन बाहर रहते थे, लगातार रेल यात्रा के वातावरण को सहते थे। ये मित्रों टीटी हैं जो टिकट चेक कर रहे हैं डिब्बे में और ये अपनी ये उसकी पत्नी उसका दर्द बयां करती है। अब रिटायरमेंट के बाद घर आते ही कमाल कर दिया, 4 फीट चौड़े पलंग को काटकर 2 फीट का कर दिया, अटैची को सांकर से बांधकर ताला लगाते हैं, तकिए में हवा भरते और चप्पलें सिरहाने रखते हैं, कमरे का ट्यूबलाइट अलग हटा दिया है और उसकी जगह 0 वाट का बल्ब लगा दिया है। टेप रिकॉर्डर से फिल्मी गानों का कैसेट निकालकर रेलवे अनाउंसमेंट, गाड़ी चलने की ध्वनि, घंटी की घनघनाहट और गरम चाय समोसे की कर्कश आवाज का कैसेट लगाते हैं, मूंगफली के छिलके और बीड़ी सिगरेट के टुकड़े पलंग के चारों ओर फैलाते हैं। मैं तो रात भर जागती हूँ और ये आराम से सो जाते हैं, पता नहीं कैसी जिंदगी जीते हैं, कप में चाय दो तो कुल्हड़ में पीते हैं। एक रात मेहमान आए तो मैंने इन्हें जगाया, इन्होंने करवट बदली और मेरे हाथ में ट्रेन का टिकट और 100 रुपए का नोट थमाया। मैंने कहा, ये क्या है, तो बोले, रसीद नहीं बनाना, राठ आए तो ख्याल से उठाना। पिताजी से दहेज में मिला सोफा सेट आधे दामों में बेच आए हैं, बदले में 2 सीमेंट की बेंच खरीद लाए हैं। बेडरूम में लगी पेंटिंग को अलग कर दिया है, उनकी जगह भारतीय रेल आपकी अपनी संपत्ति है, जंजीर खींचना मना है लिखवा दिया है। एक रात इनके पास आकर बैठी, इन्होंने पांव मोड़े और कहा, आइए आइए आराम से बैठिए। डॉक्टर साहब, बताने में शर्म आती है पर आपसे क्या छिपाना है, इन्होंने मुझसे पूछा, बहन जी आपको कहां जाना है। डाइनिंग टेबल पर खाना खाने से मना करते हैं, डाइनिंग टेबल में खाना खाने से मना करते हैं, पूड़ियां मिठाई के डिब्बे में और सब्जी को प्लास्टिक की थैली में भरते हैं। एक रात मेरे भाई और पिताजी आए, दोनों इनकी हरकत से बहुत लजाए, रात में भाई ने इनकी अटैची जरा सी खिसकाई, ये गुस्से में बोले, जंजीर खींचूं, चोरी करते शर्म नहीं आई। सुबह सुबह बूढ़े पिताजी जल्दी उठकर नहाने जा रहे थे, बालकनी पर इनके पास वाली खिड़की से आ रहे थे, इन्होंने खिड़की से हाथ डालकर इन्हें जगाया, इन्होंने गुस्से में कहा, इस तरह से मत जगाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, बाबा आगे जाओ। पिताजी आगे गए तो उन्हें वापस बुलाया, उन्हें 1 रुपए का सिक्का दिया और पूछा, कौन सा स्टेशन आया। इनका अजीब कारनामा है, एक पर एक हंगामा है, अभी कबाड़ी के यहाँ से एक पुराना टेबल फैन मंगाया, छत पर लटके पंखे अच्छी खासी सीलिंग फैन को उतार कर उसकी जगह टेबल फैन लगाया, उसे चालू करके
उसे चालू करने विचित्र तरीका अपनाते हैं, जेब की कंघी निकालकर पंखा घुमाते हैं। सुबह मंजन ब्रश साबुन निकालकर बाथरूम की ओर जाते हैं, मैं कहती हूँ बेटा गया है तो वहीं लाइन लगाते हैं। समझाती हूँ आ जाओ तो रोकते हैं, हर दो मिनट के बाद बाथरूम का दरवाजा ठोंकते हैं। इन्होंने पूरे घर को सिर पर उठा लिया है, घर की बेटिंग रूम और बेडरूम को ट्रेन का कंपार्टमेंट बना दिया है। इनके साथ बाकी जिंदगी कैसे कटेगी यह एक सोच कर डरते हैं और ये सात जन्म की बात करते हैं। हम तो एक ही जन्म में पछताए, भगवान किसी युवती को रेलवे के टीटी की पत्नी ना बनाए। मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।